दुर्ग में कैलाश नगर स्थित तालाब के पास चाकू दिखाकर लोगों को धमकाने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। दुर्ग के कैलाश नगर वार्ड स्थित तालाब के पास वार्ड के लोगों को चाकू दिखाकर धमकाने वाले आरोपी सन्नी ठाकुर को पुलिस ने मिली सूचना के आधार पर घेराबंदी कर धर दबोचा। साथ ही आरोपी युवक के पास से चाकू भी बरामद किया। इसी कड़ी में मोहन नगर थाने में मिली सूचना के आधार पर मोहन नगर पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ने के बाद आगे की कार्यवाही की। इस संबंध में मोहन नगर केस इंचार्ज ने अपनी जानकारी दी। 5/5/2023 को प्रधान अक्षक उत्तम सोनी अपराध योजना में रवाना हुआ था, जिसको जरिए मुक्त सूचना मिला कि कैलाश नगर तालाब के पास एक आदमी बटनदार चाकू लेकर लहराते हुए लोगों को आतंकित कर रहा। सूचना पर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके कब्जे से एक बटनदार स्प्रिंगदार चाकू मिला है। पूछताछ पर अपना नाम वो सन्नी ठाकुर सिकोला भाठक बताया, तो अपराध सबूत पाए जाने से उसके विरुद्ध 25/27 की कार्रवाई की गई है, जिसके रिमांड पर भेजी जा रही है। क्या इसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड देखी जा रही है? दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।